सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के2के मोटो व्लॉग्स। तो यार ये है हीरो की ऑल न्यू एक्सपल्स 204V का 2023 मॉडल, जो अभी रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर कंपनी ने काफी सारी चेंजेस कर दिए हैं। और इस वीडियो में यार बाइक को राइड करने वाले हैं और बाइक का राइड रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि बाइक चलने में कैसी है, बाइक का आपको सस्पेंशन कैसे फील होने वाले हैं, बाइक के ब्रेक्स कैसे हैं, टर्निंग रेडियस कैसा है, आपको बाइक की परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलेगी। एक्सपल्स 204V का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, इसकी सीट हाइट काफी नॉर्मल है, 825mm की इसकी सीट हाइट है, 220mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। बाइक में आपको ड्यूअल पर्पज टाइप के ब्लॉक पैटर्न टायर्स मिलेंगे, जिसकी वजह से बाइक की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। बाइक में नई एलईडी हेडलाइट आ चुकी है, नया वाइजर आ चुका है और इसका जो यूएसबी पोर्ट है वो इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के पास आ चुका है। और साथ ही बाइक का जो राइडिंग स्टांस है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुका है पहले से। और इसकी जो लगेज प्लेट है ये भी चेंज हो चुकी है, इसको कंपनी ने रीडिजाइन कर दिया है। सो बाइक रोड पे चलने में कैसी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और आपको ये भी बताऊंगा कि आप जब रोड से हटके जब थोड़ा ऑफ रोडिंग वाले में पैच में इसको चलाओगे तो तब इसमें आपको कैसा फील आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बाइक पर बैठ के दिखा देता हूँ कि आपको कैसा फील आएगा। मेरी हाइट 5'7" है और मेरे दोनों टो टच हो रहे हैं, यानी कि मैं भाई इसको कंफर्टेबली चला सकता हूँ, हाईवे पे भी चला सकता हूँ और मैं इसके साथ ऑफ रोडिंग भी आराम से कर सकता हूँ। पहले मैं आपको बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। बाइक में काफी स्मूथ, रिफाइंड और रिलायबल इंजन है। सो फर्स्ट गियर में बाइक गई यार 39 की स्पीड पे, सेकंड गियर में 60 की स्पीड पे, फोर्थ गियर में बाइक लगभग 90 की स्पीड पे पहुंच जाती है भाई। तो परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी मिल जाएगी, इनिशियल एक्सेलरेशन आपको बाइक का काफी अच्छा मिल जाएगा, नो डाउट बाइक की परफॉर्मेंस आपको डिसेंट मिलने वाली है। यहाँ पे यार ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है हाईवे के ऊपर, तो मैं उतना फास्ट तो इसको नहीं चला पाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि भाई जैसे ही आप बाइक के ऊपर बैठोगे तो आपको राइडिंग पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल मिलने वाला है। अपराइट राइडिंग पोस्चर है बाइक का और जो इसका जो हैंडल बार है काफ़ी वाइड है और आप बड़े कम्फर्टेबली इस पर लॉन्ग राइड भी कर सकते हो, ऑफ रोडिंग के लिए तो ये बनी ही है। और बाइक के ब्रेक्स के बारे में अगर बात करूँ तो यार फ्रंट में इसमें 276mm के डिस्क ब्रेक है, सिंगल चैनल ABS है बाइक में और अब ABS मोड्स भी आ चुके हैं, राइड मोड, ऑफ रोड मोड और रैली मोड, ये तीन मोड्स इसके अंदर आपको ABS के मोड मिल जाएंगे। और जो रियर में इसमें है 220mm के डिस्क ब्रेक है, लेकिन आपको सिंगल चैनल ABS ही बाइक के अंदर मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि इसका जो ये देखिए ब्रेकिंग यार काफ़ी डिसेंट है, फ्रंट ब्रेक्स काफ़ी अच्छे से काम करते हैं और बाइक का ABS भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होगी। और बाइक का सस्पेंशन सेटअप यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक टाइप के हैं, उसमें आपको 190mm का ट्रैवल देखने को मिल जाएगा। और यार जब इस बाइक को आप ऑफ रोडिंग वाली सिचुएशन में लेके जाते हो, यानी कि जब भी आप इसको थोड़ा सा ख़राब रोड पर लेके चलोगे ना, तो आपको ऐसा फील आएगा कि यार कोई भी आपको उसमें बिल्कुल भी जर्क्स फील नहीं होंगे, आपको लगेगा कि बाइक एकदम प्लेन रोड के ऊपर चल रही है। तो ख़राब रोड पे और ऑफ रोडिंग वाले पैच पे इसको चलाने में यार बहुत मज़ा आता है। और भाई बाइक की जो क्रूजिंग स्पीड है ना, वो आपको 90-100 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिलेगी। 90-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आप बाइक को कम्फर्टेबली क्रूज़ कर सकते हो लॉन्ग हाईवे राइड्स करते टाइम, ये आपको इसकी कम्फर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखने को मिलेगी। और माइलेज की मैं अगर बात करूँ तो इस बाइक में आपको 35 KMPL के आसपास की माइलेज मिलने वाली है। तो एडवेंचर टूरर टाइप की अगर आपको कोई बाइक परचेज करनी है तो इस बाइक के साथ आप जा सकते हो, जिसके अंदर आपको सस्पेंशन सेटअप काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, ब्रेकिंग सिस्टम बाइक का डिसेंट है, बाइक में आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा और रियर लगेज रैक भी इसके अंदर दी गई है। और जो बाइक की LED हेडलाइट है उसका इल्यूमिनेशन भी पहले से अच्छा हो चुका है, सो बाइक की नाइट राइडिंग क्वालिटी भी आपको डिसेंट मिल जाएगी। और सीट हाइट भी यार इसकी डिसेंट है, आप एक पैर तो आप पूरा फ्लैट फुट आप इस पर रख सकते हो, सो ना तो आपको सिटी में बाइक चलाने में प्रॉब्लम होगी और ना आपको ऑफ रोडिंग करते टाइम प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर आपकी हाइट 6 फुट या उसके आसपास है तो फिर आप इसका जो प्रो वाला मॉडल है उसको भी परचेज़ कर सकते हो, उसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उस बाइक के अंदर आपको फ्रंट ट्रैवल सस्पेंशन और ये इसका टर्निंग रेडियस भी इस बाइक का भाई काफ़ी डिसेंट है, आपको बाइक को घुमाने में यू टर्न लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप बड़े प्यार से घुमा सकते हो। पहाड़ों पे आप जब बाइक को चलाओगे तो आपको अलग ही फील आने वाला है और ऑफ रोडिंग के लिए तो भाई ये बाइक बनी ही है, नो डाउट। जब इसके साथ हम ऑफ रोडिंग कर रहे थे ना तो बिल्कुल ऐसा फील आ रहा था कि हम बाइक को पूरा प्लेन रोड के ऊपर चला रहे हैं, बिल्कुल भी जर्क्स
बिल्कुल भी आपको खड्डे फील नहीं होते हैं, ऐसा फील आता है कि भाई एकदम बाइक प्लेन रोड के ऊपर चल रही है। और बाइक की रिफाइनमेंट यार काफ़ी अच्छी है, उसी फिफ्थ गियर में आप लो स्पीड पे भी चल सकते हो और उसी फिफ्थ गियर में आप 70, 80, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी चल सकते हो। यानी कि फिफ्थ गियर में मैं अगर लो स्पीड में भी चलता हूँ तो उसी फिफ्थ गियर में मैं 30 से 40 की स्पीड में भी चल सकता हूँ और बाइक के इंजन के अंदर कोई भी वाइब्रेशन नहीं आएगी, कोई भी ऐसे झटके नहीं लगेंगे। अभी फिफ्थ गियर में है बाइक और 50 की स्पीड है और धीरे धीरे मैंने स्पीड कम कर दी है और अब मैं 45 की स्पीड पे चल रहा हूँ और मैं 40 कर देता हूँ स्पीड को धीरे धीरे। अब बाइक चल रही है 40 की स्पीड में। तो भाई 40 की स्पीड में अगर आपका आराम से चलने का मन है तो फिफ्थ गियर डालो और आप आराम से 40 की स्पीड पे भी चल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंजन रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ रिफाइंड रिलायबल इंजन आपको मिलने वाला है और जो इसका एग्जॉस्ट नोट है उसका भी यार साउंड काफ़ी अच्छा है, एग्जॉस्ट नोट भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। उसके अंदर बेस काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट मुझे भी पसंद नहीं है और एग्जॉस्ट नोट इसका बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है, बहुत प्यारा सा स्वीट सा साउंड है एग्जॉस्ट का। और बाइक का जो राइडिंग स्टांस है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और एक और जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बाइक का जो फुट पैक्स हैं इनको थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट किया गया है पीछे की तरफ, यानी कि ऑफ रोडिंग करते टाइम जब आप बाइक को खड़े होकर चलाते हो ना वो भी आप बड़े प्यार से कर सकते हो। पहले से इसका जो स्टांस है राइडिंग स्टांस को इम्प्रूव किया गया है, सो उसकी वजह से ऑफ रोडिंग करते टाइम आप बड़े आराम से ऐसे खड़े होके और फिर आप बाइक को चला सकते हो। और यार मैंने ट्राई भी किया है, जब हम ऑफ रोडिंग कर रहे थे तब खड़े होकर बाइक को चला रहे थे ना, बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं हो रहा था कि खड़े होकर हम बाइक चला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम हो रही हो। बिल्कुल खड़े होकर आप ऑफ रोडिंग करते टाइम बाइक को प्यार से चला सकते हो। सस्पेंशन बहुत स्मूथ है बाइक के, सस्पेंशन की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी दी गई है। सो इसका प्राइस आपको मिलेगा 1,43,500 दिल्ली में, 1,43,500 रुपये, और ऑन रोड प्राइस इस बाइक का आपको 1,75,000 के आसपास पड़ने वाला है। ऑन रोड प्राइस यार डिपेंड करता है सिटी टू सिटी और स्टेट टू स्टेट, सो इस वजह से आपकी सिटी में इसका प्राइस अलग हो सकता है। और बाइक की जो स्विच गियर्स हैं यार उसकी भी क्वालिटी आपको डिसेंट मिल जाएगी। आगे पासिंग स्विच है, यहाँ पे ये हाई बीम लो बीम का स्विच है, टर्न इंडिकेटर्स का स्विच है, नीचे ये हॉर्न बटन है और इस साइड में यहाँ पे एक ही स्विच दिया गया है, इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट बटन, ये एक ही है जिससे दोनों काम हो जाते हैं। और बाइक के यार ये जो लीवर्स हैं ब्रेक और क्लच लीवर दोनों ही काफ़ी लाइट हैं, क्लच बाइक की काफ़ी लाइट है और गियर शिफ्टिंग भी बाइक की काफ़ी स्मूथ है। और जो ये ब्रेक लीवर है ये भी काफ़ी अच्छा है और जो इसके फुट पैक्स हैं फुट पैक्स की क्वालिटी भी आपको काफ़ी डिसेंट इसके अंदर मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट पार्ट बाइक का ये भी है कि इसके अंदर आपको किक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सो बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट ये दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको ABS के मोड्स मिल जाएंगे। सो ओवरऑल राइडिंग क्वालिटी यार मुझे बाइक की काफ़ी पसंद आई, लेकिन आपको भी एक बार इस बाइक की टेस्ट राइड लेनी चाहिए और टेस्ट राइड जब आप बाइक की लोगे ना तो यार बिल्कुल आपको ये बाइक पसंद आने वाली है। और बाकी अगर मैं बात करूँ कि रोड पर चलते हुए आपको फील कैसा आएगा तो यार बाइक थोड़ी ऊंची है, इसकी सीट हाइट 825mm की आपको मिलेगी, सो जब आप रोड के ऊपर चलोगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि आप बिल्कुल एक ऊंची बाइक के ऊपर चल रहे हो और आपको ऐसा लगेगा यार कि हाँ आप बाकी जो गाड़ियां हैं उनके कंपैरिजन में एक हाइट पे एक बहुत अच्छी हाइट पे आप चल रहे हो। और दोनों ही बाइक्स को यार ये जो ख़राब रोड होते हैं ना ऑफ रोडिंग वाले इन पे आपको चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो यार हीरो की एक्सपल्स 204B को चलाने में यार अलग ही मज़ा आया है, अलग ही फीलिंग है, बाइक की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यार। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2KMotoVlogs। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।